दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों आज हम आपको ले चलेंगे सत्ताल, यह भीमताल में ही आता है। यहाँ अभी आप जो देख पा रहे हैं यह ताल भीमताल है, इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम भीमताल से आगे चले, अब सातताल के लिए हम जा रहे हैं, तो आपको आज हम सातताल लेके जाएंगे जहाँ की हम खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाएंगे। यह रोड जो है तालाब के किनारे किनारे भीमताल के दूसरी तरफ से होते हुए जाता है, तो हम उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं जहाँ से कि हम सातताल जाएंगे। सातताल वैसे तो यहाँ पर लोग कहा करते हैं कि सात ताले हुआ करती थी, पर अभी यहाँ पर सात ताले नहीं है, यहाँ पर अभी छह ताले आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप भी यहाँ पर एक ना एक बार जरूर आएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही सुंदर सी जगह है। तो यह तालाब है भीमताल का, हम इससे आगे अब बढ़ रहे हैं और आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मैं सातताल की भी आपको कहानी बताऊँगा कैसे सातताल बने हुए हैं, कौन कौन से ताल वहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन से तालाब में हम आपको लेके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल हम यहाँ पर मल्लीताल की तरफ से चले गए हैं, यहाँ से मल्लीताल की मार्केट शुरू होती है, तो हम बाजार में आ चुके हैं। हमें भीमताल की मार्केट को छोड़ के भवाली की तरफ जाना है, और जहाँ तक ग्राफिक रफ हिल यूनिवर्सिटी का बोर्ड आएगा वही वाली रोड सातताल के लिए है दोस्तों, तो हम आपको ले चलेंगे वहाँ से, हम थोड़ा शॉर्टकट वाले रास्ते से चलेंगे तो आपको जानना होगा। और अब हम देखिए शॉर्टकट रास्ते से आपको यहाँ पर विकास भवन की तरफ से जा रहे हैं, अब सातताल की तरफ रोड जाती हुई ये सीधा निकलेगी यहाँ पर नलरंजी ताल में, तो आप वैसे मेन रोड से भी आ सकते हैं, मेन रोड वाला रास्ता जो है वो ग्राफिक गिरा वाला कॉलेज जो है उससे आगे को आता है नीचे को, और नीचे को आके सबसे पहला ताल जो पड़ता है वो है नलरंजी ताल, तो हम वहीं पर आपको ले चल रहे हैं नलरंजी ताल में, ये रास्ता जाता हुआ आपको दर्शन कराएंगे नलरंजी ताल के और दिखाएंगे कैसा यहाँ का सीन है। दोस्तों हम सातताल के पहले ताल में पहुंच चुके हैं जो कि है नल दमंती ताल, और यह तालाब ग्राफिकेरा से थोड़ा नीचे आने के बाद सबसे पहला ताल पड़ता है। दोस्तों हम आपको शॉर्टकट रास्ते से लेके आए थे, जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि ग्राफिकेरा की तरफ से जो मेन रास्ता है वो आता है, शॉर्टकट रास्ते से हम आपको लेके आए थे, हम ये नल दमंती ताल की तरफ जा रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ नल दमंती ताल के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है, कोई कहता है कि यहाँ पर पहले महल हुआ करता था जिसमें राजा नल और दमंती उनकी रानी रहा करती थी, एक दिन वह तालाब में ही समा गया तो जो भी महल में रहते थे वो सब मछली बन गए, तो आज भी वो मछलियाँ हमें दिखाई देती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि राजा नल और रानी दमंती यहाँ पर रहा करते थे, तो उनके बुरे वक्त चल रहे थे, उस वक्त यहाँ पर यह ताल में जो भी मछलियाँ हुआ करती थी उनको वो काट कर अगर अपनी कढ़ाई में डालते थे तो भी वो उड़कर इसी तालाब में वापस आ जाती थी, जो कि आज भी दिखाई देती हैं मछलियाँ इस तालाब में। तो दोस्तों यह तालाब जो है पंचकोणी तालाब है, आप ये देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सी जगह है, यहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स आके बैठते हैं, आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में यहाँ पर बहुत ही कम लोग दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ आपको आराम से दिख जाएंगी, जो कि एक या दो फीट का पानी है यहाँ पर लगभग, उस पर तैरती हैं यहाँ पर, यहाँ कोई भी नहाता नहीं है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट से भी अलाउ नहीं है। ये देख सकते हैं आप मछलियाँ यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारी देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं, लेकिन पानी से थोड़ा दूर ही रहें क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर नहाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार चारों तरफ दिखाता हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा सा ताल है जिसके चारों तरफ आपको बैठने के लिए बहुत ही यहाँ पर बढ़िया सा बनाया है यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा, और ये हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे साथ आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे की तरफ भी बहुत अच्छा यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए बनाया गया है। नलदमंती ताल के बाद हम आगे के और तालों के लिए चल दिए दोस्तों, और यह जो रास्ता है वही ऊपर आकर मेन रोड से कटता है, नलदमंती ताल के लिए आपको यहाँ से कट मारना होगा, ये एरिया आप देख सकते हैं, और बाकी तालों के लिए आपको सीधा मेन रोड से ही जाना है। नलदमंती ताल के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो क्या नज़ारा हमें देखने को मिला, पूरा जंगल से घिरा हुआ यह प्रकृति का नज़ारा देखना तो बनता ही है दोस्तों, आप यहाँ आएंगे तो बहुत ही अलग सा लगेगा आपको, बहुत ही सुकून मिलेगा, और यहाँ पर एक से एक सीन देखने को मिलेंगे आपको जहाँ पर आकर आप जरूर फोटोग्राफी तो करना ही चाहेंगे। तो हम यहाँ पर हरे भरे हम
यहाँ पर जंगलों के बीच से सड़क जो जा रही है उससे जा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो अभी आगे जाके हम आपको जो दूसरा ताल पड़ता है गरुड़ ताल, वहाँ पर हम लेके जाएंगे आपको। जो सात तालों में से एक ताल था वो तो सबसे पहले है, सबसे पहले आ जाता है। नल्लावंती ताल से भी पहले पड़ता था वो, जहाँ पर अब ग्राफिक वगैरह बन चुका है, वो सूखा ताल था वहाँ पर। तो पहला ताल वो था, दूसरा नल्लावंती ताल, तीसरा यह गरुड़ ताल है जो कि अभी वीडियो में दिख रहा था ऊपर से हल्का हल्का। अभी हम उसके पास ही चलेंगे वहाँ पर, आइए चलते हैं नीचे की तरफ। तो हम गरुड़ ताल के नज़दीक में पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि नीचे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि पिकनिक मनाने यहाँ पर आए हैं। और थोड़ा हम आगे चल कर देखेंगे, यहाँ पर स्टॉप है जहाँ पर, ये देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, और कुछ कपल्स आए होंगे घूमने के लिए। तो यह बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, और हमने भी यहीं पर अपनी गाड़ी लगाई और आपको थोड़ा ले चलेंगे अंदर। गरुड़ ताल को जाते वक्त अंदर यह जंगल भी पड़ता है, देखिए कितना शानदार है, यहाँ पर आकर क्या मजा आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर गरुड़ ताल से पहले हमें आपको यह दिखा देता हूँ, और ये देख सकते हैं आप क्या प्रकृति का नजारा है यहाँ पर। यहाँ पर हम जा रहे हैं, आपको दिखा देंगे। तो यह है गरुड़ ताल दोस्तों, देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं, साइड में बैठे हुए हैं, और यह बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़, बहुत बढ़िया तालाब है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पिकनिक मनाने, बर्थडे मनाने और फिल्म शूटिंग के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप भी देखिए नज़ारा। यह तालाब का शेप गरुड़ के शेप की तरह है, इसीलिए इसका नाम गरुड़ ताल पड़ा है, जो कि पूरे जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ हैं। गरुड़ ताल से आगे अब हम आ चुके हैं, यह ताल आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कैमरे में। तो यह तीन तालाब एक ही साथ है दोस्तों, राम लक्ष्मण और सीता ताल, यह तीन तालों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर अगल बगल ही हैं। और यहाँ पर दो तालाब तो एक ही साथ पड़ते हैं, जो कि राम सीता ताल है और एक लक्ष्मण ताल है यहाँ पर। तो तीन तालाब एक साथ है दोस्तों। अभी हम आपको यहाँ ले आकर इसका पूरा नज़ारा दिखाएंगे कैसा यहाँ पर दिखता है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर बाहर से आते हैं, फॉरेन के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर स्पोर्ट्स भी होती है जो कि वाटर के ऊपर है या फिर हमारे एडवेंचर से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ आपको दिखेगी जब सीजन टाइम रहेगा, अभी तो लॉकडाउन भी है और थोड़ा बरसात का मौसम भी है तो लोग बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर दोस्तों आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सुंदर सी जगह है जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे वीडियो में कवर भी हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो यह तालाब जो है बहुत बड़ा है, झील बड़ी है, यहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण ताल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट स्टॉप पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर कार पार्किंग अपनी कर सकते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ आप अपना लंच वगैरह भी कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, या फिर रात के लिए होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो बाइक पार्क करने के बाद हम भी नीचे की तरफ यहाँ पर तालाब की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं क्योंकि अभी यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही कम है, यहाँ पर एक का दुख आते हैं लोग यहाँ पर घूमने भी, तो लॉकडाउन भी चल रहा है। दूसरा ये है कि कोरोना काल जो है इसमें लोग ट्रैवल करना भी यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पर काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको एक खास बात है, यहाँ रेस्टोरेंट में आपको फास्ट फूड नहीं मिलता है, फास्ट फूड के नाम पर एक मैगी ही आपको मिलेगी, बाकी सारे फास्ट फूड यहाँ पर नहीं बनाए जाते हैं। ये लोग अपने उत्तराखंड के स्पेशलिस्ट हैं खाना, जैसे भटके डुबके या झोली भात, पहाड़ी खाना यहाँ पर स्पेशल है दोस्तों, यह फास्ट फूड यहाँ पर नहीं यहाँ पर किसी को बना के देते हैं, यही खासियत है यहाँ की। तो यहाँ पर जो भी फॉरेनर लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर शूटिंग के लिए आते हैं, फिल्म शूटिंग के लिए आते हैं, गाना शूटिंग के लिए आते हैं, क्योंकि लोकेशन इतनी बढ़िया है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर बोटिंग स्टैंड है, यहाँ पर से आप बोटिंग कर सकते हैं, बोट ले सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और पल्ली तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ को भी जाने का है, आप तालाब के चारों तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप ये तालाब के इस पहाड़ को पार करेंगे तो पीछे नेशनल यहाँ पर ग्राउंड भी है दोस्तों, जहाँ पर नेशनल क्रिकेट मैच होते हैं। ये देख सकते हैं आप सामने की तरफ, यहाँ पर से आपको स्पोर्ट्स भी होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं अपना कैमरा लेके, इसे यहाँ पर शूट कर रहे हैं,
आप देख सकते हैं पल्ली तरफ, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर बोट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर आए हुए हैं टूरिस्ट लोग। सीजन टाइम पे यहाँ पर इतनी भीड़ दिखेगी दोस्तों कि आपको यहाँ पर साइड में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी बोटिंग यहाँ पर बोट का नंबर आने में टाइम लग जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही कम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं आपको कुछ नज़ारे यहाँ के दिखा रहा हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। वाटर राफ्टिंग और ये सब यहाँ पर होता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, और ये पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है आप देख सकते हैं, और हरा भरा जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं शाम के समय या रात के समय, अगर जो होटल में रहते हैं तो उन लोगों के लिए नाइट में यहाँ पर एनिमल्स देखना भी एक आम बात है। ये आप देख सकते हैं दोनों तालाब के बीच में से एक यह पुल आता है, और ये बगल में देखिए आप, ये जो रस्सियाँ जैसी आपको दिख रही हैं, यह भी स्पोर्ट्स है यहाँ पर, ये लोग करवाते हैं यहाँ से ऊपर से, यहाँ पर नीचे की तरफ रहता है वाटर के ऊपर लिफ्टिंग होती है। और सामने भी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा तालाब है, और उधर भी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यही है राम सीता और लक्ष्मण ताल, तो तीनों तालाब यहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों। यह मेन जगह है सात ताल की, लास्ट एंड है, इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते, यहीं से आपको वापस मुड़ना होता है। यहाँ पर जब आप और समय आएंगे तो बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खास करके फॉरनर के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। इंजॉय कीजिए कुछ और सीन यहाँ पे, फिर हम चलते हैं यहाँ से दोस्तों। पर्यटकों से भरा रहने वाले यह जगह आजकल बिल्कुल सुनसान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही कम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ फैमिली के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो देख सकते हैं हम सामने की तरफ से आ रहे हैं इस पुल की तरफ, तो कुछ लोग आए हुए हैं, बाकी पूरा सुनसान पड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको एक से एक पहाड़ों की ड्रेस भी यहाँ पर देख मिलेगी, जिसमें आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। काफ़ी सारी बतख भी हैं यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए बहुत सारी बतख भी हैं यहाँ पर, जिनके साथ आप यहाँ पर मौज मस्ती कर सकते हैं। कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो कि अपने पिकनिक वगैरह मना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि पेड़ों के बीच में बनाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, एक प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ पर खुले में रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, लेकिन सारे अभी बंद चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही कम यहाँ पर ग्राहक देखने को मिल रहे हैं। है यहाँ की पार्किंग वाली जगह, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर सात ताल। अब हम मेन ताल की तरफ से थोड़ा आगे को आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, इस जगह से आप पल्ली तरफ दूसरे तालाब की दूसरी तरफ जाएंगे तो एक और तालाब और झरना यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ हो चुकी हैं, तो इस वजह से हमें बच बच के चलना पड़ेगा यहाँ से। ये सीढ़ियाँ उतरते हुए यहाँ पर नजर आएंगी, एक रेस्टोरेंट के बगल से है रास्ता, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जॉब भी होती हैं, तो बहुत यहाँ पर सावधानी से चलना होगा हमें इस समय, बरसातों के समय ही यह जॉब होती है, बाकी समय ये झाड़ियाँ जब हट जाती हैं तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पूरा जंगलों के बीच में यहाँ पर, ये यहाँ पर आराम करने के लिए भी है, बैठने के लिए है, जहाँ पर कपल्स लोग बैठे रहते हैं। फिलहाल अभी यह खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये रास्ता जो हमारे सामने से जा रहा है, नाला भी जा रहा है इसके बगल से, इसी के साथ साथ हम भी चलेंगे आगे की तरफ, तो आपको तालाब दिखा के लाएंगे दोस्तों। खाना दिखाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत अंदर है यहाँ पर जंगल में, इतने अंदर हम जंगल में जा नहीं सकते अभी। फिलहाल हम आपको तालाब दिखाते हैं, एक और तालाब है आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर से रास्ता है बहुत ही, यहाँ पर अभी डेंजरस टाइप का लग रहा है, लेकिन इतना डेंजरस है नहीं यह दोस्तों, क्योंकि अभी बरसात का समय है और यहाँ पर सब हरा भरा हुआ है, इसलिए यह ऐसा लग रहा है। और आप देख सकते हैं ये जंगलों के बीच में हम जब ये रास्ते रास्ते आ चुके थे, तो यहाँ पर एक स्टैंड मिला हमें, जहाँ से हम आपको ये तालाब दिखाने वाले हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ के हम दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा काई सी हो गई है, ये अभी तालाब बरसात के बाद फिर साफ होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से खूबसूरत सा तालाब है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और
उसके पीछे पूरा जंगल ही जंगल है, देखिए चारों तरफ से जंगल है, चारों तरफ से आप नजर मारे तो पूरा जंगल ही है। ये देखिए उसके बीच में ये तालाब है, बहुत ही शानदार तालाब, इसके आप दर्शन करेंगे तो मनमोहक यहाँ पर हो जाएंगे। बहुत ही यहाँ पर शानदार है, यहाँ पर बर्ड व्यू भी होती है, बहुत से फॉरेन लोग यहाँ पर बर्ड व्यू करने आते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मैंने आपको बताया कहाँ से आपको रास्ते बताना है, देखिए इस प्रकार से रास्ता आता है, ये तालाब आपको नजर आता है जहाँ पर आप जा भी सकते हैं। लेकिन ये बरसात खत्म होने के बाद जब ये हरियाली थोड़ा कम हो जाएगी तो ये पूरा एरिया भूरा भूरा सा हो जाएगा, जिस प्रकार से दिख रहा है आपको, तो बहुत ही मस्त एक यहाँ पर सीन हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, ये देखिए चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। अब हम वापस जा रहे हैं उसी जगह रास्ते से जहाँ से हम आए हुए थे। वापसी जाते हुए और काफी हमने घुमा, काफी आप सबको दिखाया कैसा सातताल दिखता है, तो आप यहाँ पर जरूर आए एक बार। अगर आप भीमताल आते हैं तो आपको सातताल भी जरूर घूमना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है सातताल। अभी आजकल तो थोड़ा सुनसान है लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत सारे तालाब आपको देखने को मिलेंगे, प्राकृतिक का नजारा दिखेगा, एक बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हो सकता है कि आपको जंगली जानवर भी देखने को मिल जाए, तो ये तो आपकी खुश नसीबी होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपका यहाँ पर टूर बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और